Hey guys, welcome back to Wanderers Hub. तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं हूँ प्रेरणा के क्लोजेट के ऊपर। मैंने यहाँ पे बनाया है एक सीक्रेट होम जो कि बिल्कुल हमारे घर के ऊपर है। और ये ना प्रेरणा के क्लोजेट के ऊपर बनाया है, तो यहाँ से दिखता भी नहीं है। प्रेरणा को ना इसका बिल्कुल आइडिया भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे आज, प्रेरणा को ने चैलेंज देते हैं। इसको मैं कॉल करूंगा यहाँ से और इसको कहूंगा मुझे ढूंढ के दिखा, मैं घर में ही हूँ, और देखते हैं क्या करती है प्रेरणा। ऑब्वियसली ढूंढ तो पाएगी नहीं, उसके दिमाग उसके थॉट में भी नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ बनाया। तो चलो आपको दिखाते हैं पहले बाहर से और फिर अंदर से कितनी अच्छा इसको मैंने डेकोरेट किया, लाइटें वाइटें लगाई है। देखते हैं प्रेरणा को कैसा लगता है। लेट्स गो। मैंने इसी हाइट के हिसाब से बनवाया कि मैं खड़ा भी हो सकता हूँ, पता है इस पे। और ये देख रहे हो, ये मैंने जाली बनाई है, सीक्रेट जाली। यहाँ से देख नहीं सकते, यहाँ से पूरी दुनिया दिखती है। हेलो रोहित, तू बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन फिर भी तू छोटा है। 5 minutes later। हर्ष मुझे घर में रहते हुए कॉल क्यों कर रहा है? हेलो, बोलो हर्ष। हे प्रेरणा, आई हैव अ चैलेंज फॉर यू। मैं ना घर में ही हूँ, तेरे पास 10 मिनट है, तू मुझे ढूंढ के दिखा, मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। व्हाट, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? हाइड एंड सीक खेल रहे मेरे साथ? हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, चल बहुत मजा आने वाला है। तू मुझे 10,000 रुपए देगा अगर मैं तुझे ढूंढ लूंगी? तूने सीक्रेट रूम बनाया है, तू बहुत तेज हो रहा है। मेरा टाइम कब स्टार्ट हो रहा है? कम फाइंड मी आउट, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी। 20 सेकंड में ढूंढ लूंगी, ऐसा भी कहाँ छुपा होगा तू? अबे वही यहाँ तो नहीं है, कहाँ है तू? कहाँ है मरु के बच्चे? यहाँ भी नहीं है, कहाँ गया? गया कहाँ आखिर? ये गया कहाँ आखिर? ना यार, ढूंढ ढूंढ के थक गई। ये नहीं ढूंढ पाएगी आज, मुझे पक्का पता। चलो इसको फिर से कॉल करते हैं। पागल बना रहा है मेरे को, फिर से कॉल आ रही है। हाँ क्या हुआ, मिला मैं? अबे तेरी बस की नहीं है। अरे तू उल्लू मत बना मेरे को, तू कहीं नहीं है घर में, मैं बैठ गई, थक गई यार। मैं घर में ना हो के भी घर में हूँ, एक छोटी सी पहेली है इसको सॉल्व कर। व्हाट डू यू मीन घर में होते हुए भी घर में नहीं हूँ? ओ तू मेरे क्लोजेट में? Yes, तू मेरे क्लोजेट में। I caught you, अब तो मैं आ रही हूँ, तू देख, एक सेकंड में आ रही हूँ अपने क्लोजेट। मेरा टाइम वैसे भी खत्म होने वाला है, तू हारने वाली है। You can't find. 10 seconds later. प्रेरणा तो छत पे आ गई है। चलो इसको अब रिवील करते हैं हम कहाँ पे, इसने हार मान ली है और 10 मिनट भी हो गए हैं। हाँ थोड़ा पीछे पीछे हो, देख ऊपर वाली साइड हो। Let's go out and show. नहीं ढूंढ पा रही, मौज कर दी। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अब मैं ऊपर कैसे आऊं? यहाँ से ये बना तो है रास्ता, सीढ़ी लगा। ये तूने बहुत रिस्की काम करा है, पर यहाँ से पूरी दुनिया दिख रही है, आसमान दिख रहा है। आई फील फ्री। इस हट में रहेगी आज तू। अरे मैंने बनाया सच में यार, घर के ऊपर एक छोटा सा हमारा क्यूट घर, तो बहुत ही प्यारे हार्ट शेप है। और ये देख खिड़की, इसमें से पूरी दुनिया भी दिखती है। सच में खिड़की बनवाई है, हवा भी आती है, हवा भी आती है। आज हम पूरी दुनिया यहीं पे रुकेंगे, कितना मजा आएगा। बट यू नो यहाँ पे कुछ कमी है अभी। ये तूने अपने हिसाब से तो कर लिया जितना अच्छा करना था, अभी देख मेरी मैजिकल टच, अब हम इसे डेकोरेट करेंगे मेरे हिसाब से। लेट्स डू इट। सबसे पहले यहाँ पे गद्दा बिछाते हैं, पूरी रात यहाँ रहना है ना। इसके ऊपर एक सुंदर सी प्लेन बेडशीट, मतलब तूने पूरा प्लान कर लिया, आज रात यहीं सोएगी। मैंने अपने लिए बनाया था, बट अब तू सो, मैं नीचे सोऊंगा जाके आराम से, शांति। आई डोंट माइंड यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगा ये घर और बहुत ही मजा आ रहा है। अबे मोर ओवर वुडन घर है, ठंड भी नहीं लगेगी। अच्छा अभी इसके अंदर स्प्रे पेंट करते हैं, इसको पूरा डेकोरेट करते हैं। चलो गाइस, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। आई विश आई कुड एक्सप्लेन योर आईज एंड हाउ द साउंड ऑफ योर वॉइस गिव्स मी बटरफ्लाइज, हाउ योर स्माइल मेक्स माय हार्ट स्किप अ बीट, हाउ एवरी टाइम आई एम विद यू आई फील सो कंप्लीट। पानी की बॉटल,
बहुत जरूरी है और ये बुक जो कि सिर्फ शो पीस के लिए रखी जा रही है, एक्चुअली मैं पढ़ लूंगी। ऑलमोस्ट पूरा डेकोरेट हो चुका है, ये मेरा सीक्रेट गेमिंग रूम। मीनवाइल हर्ष प्रेरणा कहाँ चली गई मुझे छोड़ के, ये पापी दुनिया के पापी ह्यूमन सब पार मैं भी आ रही हूँ। तेरे को हिलाना पड़ेगा उसे ऊपर, देख कैसे कह रही है मुझे ले चलो मुझे ले चलो। तुम मुझे भी दिखाओ क्या है ये, क्या बात हुई। आओ बेला आओ, ऊपर तू लेके चल प्रेरणा की बच्ची। बेला हमने तेरे लिए टाइनी हाउस बनाया है, छलांगे मार रही है कि मेरे को लेके चल। हर लेके जा मुझे हाश के बच्चे। अरे ले आ यार उसकी लीश के साथ, ले आ ले आ ले आ प्लीज। चल भाई बेला तेरे को फन कराते हैं। अब देखते हैं कि बेला को ये हमारा टाइनी हाउस कैसा लगता है, इसका रिएक्शन देखते खेलती है या नहीं। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। ओ वाओ, उसको बहुत पसंद आया। सीरियसली? हां ये देख बेला तेरे को कैसा लगा? लेट गई भाई, ये तो लेट गई, खेलने के मूड में है बेला। बहुत मजा आ रहा है मुझे ये। आज न छोड़ूंगी तुझे दम दमा दम। अरे मुझे भी अंदर घुसाओ, मुझे बाहर मत छोड़ो, मुझे डर लगता है पापी दुनिया। यार ये मेरे को अंदर क्यों नहीं बुला रहे, मुझे भी अंदर जाना है, मुझे बुला लो। बुला लिया बुला लिया। यार बाकी सब तो ठीक है पर मुझे भूख लग रही है हर्ष, क्या करे। अरे मैगी का जुगाड़ लेके आना मैं तेरे लिए, देख सारा सामान आ गया, अब तेरे लिए मैगी बनाते हैं। हर्ष ने हमारे गेमिंग रूम को चाय की दुकान बना दिया है, चाय की टपरी, और यहाँ हर्ष हमारे लिए मैगी बनाते हुए मैगी मैगी मैगी, और यहाँ 1.5 किलो मैगी बनती हुई फड़फड़ाती हुई थरथराती हुई मैगी बनने वाली है। फड़फड़ा अंकल बन चुका है, एक बार फड़फड़ा डांस करके दिखा। मेरे को नहीं आता। गाइस हमारी टेस्टी टेस्टी मैगी रेडी है और थोड़ा मजा आ रहा है यार। अभी शाम होने वाली है और माहौल एकदम बदल सा गया है, मैगी बन गई है और चाय भी आने वाली है। इतना ज्यादा फन मैंने इतने दिनों से नहीं किया था, थोड़ा अच्छा लग रहेगा। बड़ी डिलीशियस मैगी लग रही है सही में। वैसे मैंने बनाई अपने लिए थी बट कोई नहीं तू खा ले। और यहाँ हर्ष बहुत मजे से मैगी खाते हुए, अबे रेड रेड मैगी लग रही है। खिड़की में से देख ले कहीं तुझे कोई बुलाना रहो बाहर। तूने सोचा रात को कितना मजा आएगा यहाँ पे, भूत ब्लडी मैरी करेंगे। मैंने डिसाइड कर लिया इस पिंक पिंक रूम में हम ना ब्लडी मैरी करेंगे। गॉड आज का ब्लडी मैरी सच में ना आ जाए यार। यहाँ से निकल के जा रहा है स्विगी का ऑर्डर लेने, तो ये देखो स्ट्रगल। शाम को मेहनत करके खाना लेके आता है कोई तो कितना अच्छा लगता है सच में। और अपने घर में जाता है, अपने घर में जाना है अब आपको। घुसो घुसो अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। यही तो चैलेंज है। Finally, I'm in. I'm also in. ये हमारा मैगी पॉइंट, ये हमारा हर्ष और ये हमारा रूम। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ यार। सर रुक भी जाया करो, वाइट ढोकला भी ब्लू ढोकला लग रहा है। खालो फ्रेंड्स, मजा आ भी गयो, हमें भी खिला दो सर। तू मिर्ची खा के दिखा सकता है? हाँ हाँ तू खा तू खा। तो मेरे भाई ने मुझे मिर्ची खानी सिखा दी, सच्ची बता रहा हूँ। पहले मैं बिल्कुल नहीं खा सकती थी, मुझे अच्छी लगने लग गई एक्चुअल। कौन कौन एक पूरी चिली खा सकता है मुझे जरूर बताना कमेंट। मैं नहीं खा सकता। तो बड़ी अच्छी चिली है, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। प्रेरणा ये ले तेरी चाय आ गई। वाओ बुक के साथ चाय पीने का मजा ही अलग है। अभी बुक पढ़ते पढ़ते चाय पीऊंगी। ये रही मेरी केतली देख रहे, और ये रे कुल्लड़, आजा तेरे को भी पिलाती हूँ। अरे वाह यार मैं भी आ रहा हूँ। और यहाँ पे हर्ष हमारे लिए चाय कुल्लड़ में डालते हुए। ये रही चाय का रंग पिंक कैसे हो गया। चल चल पिला दे यार, बड़ा मन कर रहा है पीने का। वाह यार मजा आ गया। कितना गंदा है मुझे दे पहले। क्या हुआ हर्ष? वाह क्या ताज है, ऐसे लग रहा है सब मसाज करा रहा और मजा आ रहा है। आराम से कुल्लड़ की चाय पी और यहाँ खिड़की से नजारे देख। क्या बात है, क्या शाम है, क्या शाम मस्तानी मदहोश की। रूम बहुत पसंद आ रहा है, इसको लग रहा है इसके डॉग हाउस है। मुझे भी यही लग रहा है।
गाइस प्रेरणा तो सो गई है, बेला में फुल एनर्जी है, वो इस टॉय के साथ खेले जा रही है, भोग के साथ। एकदम बिना टेंशन के, बिना लैपटॉप के है, कितना आराम है। ये पिंकी बेला पिंक पिंक रूम में सोते हुए, बेला कितनी आलसी है तू यार। गाइस बहुत रात हो गई है और मच्छर काट रहे हैं बहुत सारे, वैसे बहुत मजा आ रहा है। अब ब्लडी मैरी करते हैं। कोई ऐसा ठंड भी नहीं लग रही। अबे कौन ब्लडी मैरी, कैसी ब्लडी मैरी, आराम से बैठ यहाँ पे। आज मैं कह रही हूँ माहौल देख के आ जाए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, एंजॉय करेंगे यहाँ पे, दैट्स इट। ब्लडी मैरी नहीं। तो गाइस प्रेरणा हमें सुनाने वाली है एक हॉरर नकली कहानी, क्योंकि ये हमेशा नकली कहानी सुनाती है। मैं आप भी थी असली कहानी सुनाने। कंटिन्यू कर। इसी दिवाली की बात है, मैं और हर्ष रात को बहुत लेट 4 बजे शायद वापस आ रहे थे गाड़ी से, और एकदम से पेड़ से कुछ लटकता हुआ इसी ने देखा था और मुझे कह रहा है कि कुछ था, और अब कह रहा है कि मैं झूठी चोरी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है यार। पता क्या हुआ, एकदम से ना कोई रिफ्लेक्शन ना पेड़ से लटकी हुई थी, मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे मैंने गाड़ी निकाली ना, ऐसा लगा कुछ पेड़ से लटका हुआ था, कोई व्हाइट सी चादर या कुछ और, वो एकदम गाड़ी के आगे से निकला। तो गाइस अब टाइम है ब्लडी मैरी को बुलाने का। ये इसकी फेवरेट है ब्लडी मैरी। रात का अंधेरा हो चुका है और ब्लडी मैरी को आज आना पड़ेगा मुझसे मिलने। ये रहा शीशा, फोन के शीशे में कैंडल हाथ में लेके मैं ब्लडी मैरी को 3 बार आमंत्रण दूंगी। लेट्स सी इस बार भी ब्लडी मैरी आती है नहीं। मेरी फ्रेंड ब्लडी मैरी, आई वॉन्ट की तू आए। मैं शर्त लगा सकता हूं नहीं आएगी। आ साथ में बुलाते हैं। ब्लडी मैरी प्लीज कम, ब्लडी मैरी प्लीज कम, ब्लडी मैरी प्लीज कम, ब्लडी मैरी कम विद बेबी ब्लू, ब्लडी मैरी बेबी ब्लू के साथ आ जाओ। ये क्या हुआ, तेरी फोटो दिख गई। एक्चुअल में इसकी फोटो अपने आप खुल गई यार। जब एक ब्लडी मैरी ऑलरेडी घर पे हो ना तो दूसरी नहीं आती। तो मुझे नहीं लगता ब्लडी मैरी आने वाली है। मैं बता रहा हूँ एक हो तो दूसरी नहीं आती। अभी हमें यहीं पे इस वीडियो को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ब्लडी मैरी तो आने रही और मच्छर आई जा रहे हैं, हमें दरवाजा बंद भी करना पड़ेगा। तो आई होप यू गाइस एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बड़ी मेहनत लगी है इसको बनाने के लिए, एक लाइक तो बनता है। एग्जैक्टली गाइस, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रेरणा अभी वहाँ पे देख कौन है। ये ना अपने ड्रामे मत कर भाई, सीरियसली कोई है, पते सीढ़ियों में बैठा व्हाइट साड़ी पहन के। व्हाइट साड़ी पहन के भूत नहीं आते, तू ना चुप रहे। अबे वहाँ बैठा कोई सीढ़ियों में यार, देख दूर, मैं जूम करके तेरे को अभी दिखाता हूँ। अबे वहाँ कोई है, झूठ बोल रहा हुआ ना, मैं बताऊंगी फिर तेरे को। अंधेरी रातों में झूठ बोल रहा है ना। हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देख, मैं तो बस यहाँ से उठाना था ना। यस, इतनी देर से बैठी है, बाहर का माहौल देख।